हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि हमने आपका कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और आज की हमारी वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 7। ये किस चीज़ की है? यह है आपका बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर का जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसको आप चैप्टर नहीं कह सकते क्योंकि एक एक टॉपिक हम क्लियर करवा रहे हैं आपका। तो ये आज का हमारा 7वां वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं भू संतुलन की संकल्पना पर। भू संतुलन की संकल्पना यानी कि हमारी जो पृथ्वी है तो यह संतुलित किस आधार पर है, यानी कि इसका जो ऊपरी क्रस्ट है यह किस तरह से संतुलित है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारा पृथ्वी जो ऊपरी जो इसका परत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पठार देखने को मिलते हैं, इसमें आपको नदियाँ देखने को मिलती है, इसमें आपको महासागर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलता है, झील देखने को मिलती है। तो ये सारी जितनी भी आकृतियाँ हैं वो एक तरह से इसी व्यवस्थित है जिससे कि पूरा जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है, संतुलित है, एक संतुलन की अवस्था में बना हुआ है। अगर ये व्यवस्थित ना हो संतुलित के रूप में तो हमारी पृथ्वी क्या होगी, उथल पुथल हो जाएगी। व्यवस्थित रूप से एक जो कह रहे हैं अस्थापित है, जो अस्थायित्व है वो अस्थायित्व इसका मिट जाएगा। तो ये हमारी पृथ्वी जिस तरह से ये डिजाइंड है, जिस तरह से ये अस्थायित्व के रूप में आ गया है, इसी संतुलन की दशा को हम कहते हैं भू संतुलन। इस पर विद्वानों ने अपनी राय रखी है। आर्थर होम्स इस पर कहते हैं कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर चाहे वो पर्वत हो, पठार है, मैदान है आदि के रूप में फैला हुआ है, तो ये सभी चीजें जो हमें हमारे पृथ्वी पर हमें फैली हुई दिख रही है, ये सभी एक संतुलन की अवस्था में है। इसी को हम कहते हैं भू संतुलन, ऐसा आर्थर होम्स महोदय ने कहा है। अब भू संतुलन की संकल्पना को लेकर के कई सारे विद्वानों ने उस पर अपनी राय रखी है कि ये जो जमीन है ये क्यों जो है ये संतुलित है, इसके संतुलन के पीछे राज क्या है, किस तरीके से ये संतुलित है। आप देखोगे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जमीन में गड्ढा है, तो ये डिसबैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, ये एक जैसा मतलब संतुलित की अवस्था कैसे बनी हुई है, इस पर बात किया है। तो इस पर बात करते हुए कई सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी है। तो सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, इन्होंने जो है भू संतुलन को लेकर के एक संकल्पना दिया हुआ है जिसके माध्यम से इन्होंने बताना चाहा कि भू संतुलन कैसे स्थापित किया गया है। इस पर इन्होंने 1859 में अपनी ये राय रखी और ये जो इन्होंने संकल्पना दी वो कई सारे प्राट महोदय ने खोज किए थे, उन खोजों के आधार पर इन्होंने ये संकल्पना दी। इस संकल्पना का इनका जो मेन लाइन था वो था हमारे क्रस्ट के सभी भागों का घनत्व क्या है, समान है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा क्रस्ट है इसके सभी भागों का घनत्व क्या है, समान है, जबकि गहराई में अंतर है। इन्होंने कहा जो हमारे पृथ्वी का ऊपरी परत है ना क्रस्ट, इसके सभी भागों का क्या है, घनत्व समान है, लेकिन गहराई में अंतर है, कहीं पर गहराई ज्यादा है, कहीं पर गहराई कम है। और इस तरह से इन्होंने बताया, इन्होंने अपना जो ये भू संतुलन का सिद्धांत दिया हुआ है इसमें इन्होंने हिमालय का एग्जांपल लेकर के समझाया हुआ है कि हमारा जो हिमालय है ये हमें ऊपर से दिख रहा है कि 8848 मीटर अप्रॉक्सिमेटली आप देखोगे हिमालय की ऊंचाई, तो 8848 मीटर हमारा हिमालय ऊंचा है, लेकिन ये केवल ऊपरी जो हमें दिख रहा है ये केवल ऊपर नहीं है बल्कि इसकी गहराई भी है, ये गहराई में भी पृथ्वी में जमा हुआ है, लेकिन इसकी जो ऊपरी परत है इसका घनत्व तो क्या है, अधिक है, इसका जो पदार्थ भार है वो अधिक है और जो अंदर का भाग है उसका पदार्थ भार क्या है, कम है। तो इस तरह से इन्होंने बताया, जैसे इन्होंने कई सारे एग्जांपल लेकर के समझाया, इन्होंने कहा जैसे एक नाव को आप देखते हैं पानी में तैरते हुए, ऐसी हमारी पृथ्वी अंदर से आपको पता है देखती हुई आपकी गोला है, उसमें जो पदार्थ है मैग्मा है वो सब पिघले हुए हैं, तो ये जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है उस पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो इन्होंने कहा जैसे एक नाव तैरती है पानी में तो नाव का अधिकांश भाग क्या होता है, पानी के अंदर होता है, कुछ भाग ही हमें ऊपर दिखाई दे रहा होता है। तो यानी कि अगर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है आपको पानी में तैरता हुआ तो उसका अधिकांश भाग क्या होगा, अंदर होगा। एक और एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि जैसे बर्फ की एक सिल्ली आप देखते हो पानी में फेंक दिया जाता है तो उसका 10 में से एक भाग ही ऊपर दिखाई देता है, बल्कि 9 भाग क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। और इस आधार पर इन्होंने कहा है कि हमारा अगर हिमालय की ऊंचाई 8848 मीटर ऊपर हमें जो हिमालय दिख रहा है तो हिमालय अंदर इसका कितना, 9 गुना ज्यादा होगा, 10 पार्ट में से एक पार्ट में दिख रहा है, 9 पार्ट अंदर है, यानी कि इन्होंने कहा 79,632 मीटर तक क्या है ये अंदर जो है हिमालय अंदर है, जिससे कि एक संतुलन बना हुआ है, ऊपर इतना ज्यादा पार्ट नहीं है कि वो पृथ्वी को डिसबैलेंस कर दे। तो इस तरह से इन्होंने कहा संतुलन को इस तरह से रखा गया। अब इनकी जो संतुलन की थ्योरी थी इसकी, इसको भी आलोचना का सामना करना पड़ा कई हद तक, कई जगहों पर इनकी ये जो संकल्पना है एरी महोदय की संकल्पना को अभी तक मान्यता प्राप्त है।
लेकिन इनके संकल्पना में भी कई आलोचना लाए गए। इन्होंने कहा, जैसे आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा कि 32 मीटर की गहराई, जब हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर घुसते हैं अंदर, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर अंदर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से तो 79,732 मीटर जाते जाते टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि अंदर से तो हिमालय को पिघल जाना चाहिए, यानी कि हिमालय का जो अंदर पार्ट कहना है 79,632 मीटर है, ऐसे में तो इसको पिघल जाना चाहिए। तो इस तरह से आलोचना किया गया इनके इस सिद्धांत का। एक और सिद्धांत इसमें हमें देखने को मिलता है, सामने आता है, वो सिद्धांत आता है जिन्होंने खोज किया हुआ था, हेनरी प्रॉट महोदय की। इन्होंने भी हिमालय को लेकर के ही बात किया हुआ है, लेकिन इनकी संकल्पना थोड़ा सा अलग तरीके से। इनका कहना है कि विभिन्न स्तंभों के घनत्व में अंतर होता है, गहराई में नहीं। इन्होंने कहा कि विभिन्न स्तंभ जो आपको देखने को मिलते हैं, तमाम सारी चीजें जो आपको पृथ्वी पर देखने को मिलती है, पृथ्वी के क्रस्ट पर जो चीजें आपको देखने को मिलती है, उनके घनत्व में अंतर है, गहराई में नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत गहरी तक है और कोई चीज बहुत ऊपरी भाग तक है, और इस वजह से ये जो बैलेंस है वो बना हुआ है। इन्होंने कहा नहीं, जो चीज, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पर हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो चीज जितनी हाइट पर दिखाई दे रही है, उसका घनत्व तो उतना ही कम है। इन्होंने, इनके कहने का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि हिमालय अगर आपको ऊपर 8,800 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो इसका जो घनत्व तो होगा वो कम होगा, और जमीन का जो घनत्व तो होगा या जो निचली जगह है उनका घनत्व तो उसी लेवल पर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है। घनत्व कम है भले ही अब ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका घनत्व कम है तो भार कम होगा, और जो हमें निचली जगह दिखाई दे रही है उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो भले ही वो ऊपर हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता हो, लेकिन घनत्व होने की वजह से उसका जो भार है वो इसके भार के बराबर हो जाता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, संतुलन में रहती है। तो इस तरह से प्राट महोदय ने अपनी संकल्पना दिया हुआ था। आर्थर होम्स महोदय ने इसमें भी संकल्पना दिया हुआ है, और आर्थर होम्स महोदय ने भी इस पर बात किया हुआ है, और इन्होंने जो संकल्पना दिया हुआ है वो काफी हद तक जॉर्ज एरी की संकल्पना से वो क्या करते हैं, मान रखते हैं, और जॉर्ज एरी की संकल्पना को मानते हैं कि जॉर्ज एरी ने सही संकल्पना दिया हुआ है कि 9 भाग पृथ्वी के अंदर है, 1 भाग ऊपर उठा हुआ है, जिससे कि एक बैलेंस की स्थिति हमें देखने को मिलती है। भूतल पर संतुलन की व्याख्या करते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है, बताया हुआ, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बंगाल की खाड़ी का। अब देखोगे हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं, अब नदियां निकलती हैं और नदियां कहां पर जाकर के मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो हिमालय से तमाम सारे मृदा, तमाम सारा बालू, कंकड़, पत्थर, मतलब हिमालय को थोड़ा बहुत काटते काटते क्या करती है, जो मालवा पूरी तरह से, एक तरह से मलवा लेकर के जाकर के समुद्र में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो चीज गिरती है। और बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में वो चीज गिर रही है तो एक पटान हो रहा है, और वो चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जाकर के वो पिघल करके मैग्मा बन रहा है, और वो फिर से जाकर के हिमालय के नीचे जाकर के वो क्या कर रहा है, हिमालय को और ऊपर उठा दे रहा है, यानी कि जो मालवा हिमालय से बह करके आया वो फिर से जाकर के हिमालय को और ऊंचा कर दे रहा है, हिमालय थोड़ा सा नीचा हो रहा है बहने की वजह से, फिर ये ऊंचा कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एक संतुलन बना हुआ है, और हमारी पृथ्वी संतुलित अवस्था में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को एक कॉन्सेप्ट के अनुसार कि घनत्व और गहराई, इन कॉन्सेप्ट के अनुसार वो चीजें क्या है, सेटल्ड है, जिससे कि भू संतुलन बना हुआ है, पृथ्वी अनबैलेंस्ड नहीं हो रही है, एक बैलेंस बना हुआ है। तो हर एक चीज में पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं उनके बीच में स्थापित जो ये बैलेंस है, जो अस्थायित्व है, इसी को हम कहते हैं भू संतुलन। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि भू संतुलन आखिर होता क्या है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में भी अपने शेयर करो ताकि उनको भी इससे काफी हेल्प हो सके। आने वाली वीडियोज आपके लिए आने वाली है पृथ्वी की गतियों के बारे में, वलन के बारे में, वो सारी चीजें आपको समझने के लिए वीडियो में, आप आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड हिट कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे ना तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।